All on the Byju's exam prep, or today we are going to have the practice questions related to commerce. So practical subjects पे हमारा main focus रहेगा, जैसा कि आपकी requirement है, और practical concepts से related accounts, FM, portfolio management, cost accounting, management accounting and tax. So ये हमारा आज के time पे focus रहने वाला है. Start करने से पहले फटाफट confirm कर दीजिएगा, voice, video, PPT is everything fine? Yes. अजय, शुभ्रांशु, शालिनी, रेनू, रजनी, प्रगति, जेबा, पारस एंड अदर्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. आई वेलकम यू ऑल ऑन द बायजूस एग्जाम प्रेप एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉमर्स. और कोई भी आपका डाउट होगा तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा, दैट वी विल क्लियर अपार्ट फ्रॉम दैट. ठीक है, तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे. पर्पस रहेगा जितने आपके कंसेप्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएं, और कोई भी अगर डाउट रहता है तो वो आप बेसिकली ज़रूर पूछ लीजिएगा. ठीक, हाँ जी, प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करने वाले हैं रेनू आज हम, तो स्टार्ट करते हैं. चलिए बिना टाइम वेस्ट करे, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग इन द मीन वाइल, वी कैन स्टार्ट द पार्ट. और सबसे पहले आपके पास बहुत बेसिक क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल फाइनेंस, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री कैन हैव, नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट. तो ये बेसिकली आपका इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है, फटाफट से बताएंगे इसका सही आंसर क्या है. हाँ जी, सो नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट एंड लोरो अकाउंट. इसके अलावा हमारे पास एक और अकाउंट होता है, मिरर अकाउंट, बट ये तीन अकाउंट आपको बेसिकली मैच करने हैं. सो नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो एंड लोरो आर बेसिकली द इंटरनेशनल अकाउंट. इंटरनेशनल अकाउंट इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई इंडियन बैंक अगर कोई इंडियन बैंक बेसिकली बाहर किसी कंट्री के साथ बैंक अकाउंट ओपन करता है तो उसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट. और ऐसे ही अगर बाहर का कोई बैंक हमारे साथ हमारे यहां पर बेसिकली अकाउंट ओपन करता है तो उसे हम बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट. सो दिस इज व्हाट नॉस्ट्रो अकाउंट आर अकाउंट विद यू एंड वॉस्ट्रो अकाउंट इज यूर अकाउंट विद अस. और अगर कोई इंडिया का दूसरा बैंक इंडिया के किसी बैंक का रेफर करता है बेसिकली बाहर के अकाउंट के लिए तो वो आपका कहलाता है लोरो अकाउंट, दैट इज देयर अकाउंट विद यू, मींस दैट इज रेफरिंग टू अ थर्ड पार्टी अकाउंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज देयर अकाउंट विद यू. नॉस्ट्रो अकाउंट आपके पास कौन सी करेंसी में होगा? हाँ जी, नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब है आर अकाउंट विद यू. आर मतलब मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं SBI, That is our account. With you, example ले लेते हैं Bank of America. तो SBI का account Bank of America के साथ, that is a nostro account. तो SBI जब ये account Bank of America के साथ open करेगा तो ये कौन सी currency में होगा? Dollar में होगा या rupees में होगा? ये particular account कौन सी currency में होगा? Obviously foreign currency में होगा. तो जब ये फॉरेन करेंसी में होगा और SBI तो एक इंडियन बैंक है जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा किसमें? रुपीस में. तो एट द ईयर एंड SBI का बाहर वाले बैंकों के साथ कितना खाता पड़ा है, कितना पैसा पड़ा है SBI को अपने शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा. जब SBI ये अपने शेयर होल्डर्स को बताएगा तो ये जो डॉलर में बेसिकली पैसा पड़ा है इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? इसको कन्वर्ट किया जाएगा डोमेस्टिक करेंसी में, जो कि क्या है? रुपी. ये जो डॉलर का कन्वर्जन हमने रुपी में करा एट द ईयर एंड फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस अकाउंट को हम बोलते हैं मिरर अकाउंट. ठीक, तो ये मिरर अकाउंट बेसिकली आपका कौन सी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा? डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और पर्पस है प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Is it clear? हाँ, डॉलर को हम रुपी में कन्वर्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्क्लोजर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, GDR से रिलेटेड लास्ट टाइम आपके पास क्वेश्चन आया था,
कि जीडीआर के बेसिकली इशू करने के स्टेप्स क्या हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जीडीआर। तो ये जीडीआर के लिए बेसिकली अगर हम कूलिंग पीरियड अगर हम चाहते हैं कि इसको कैंसिल करना चाहे, तो बेसिकली ये पीरियड हमारा कितना है जीडीआर इशू करने के लिए, आरबीआई के पास से 30 दिन के अंदर अंदर बेसिकली हमें अप्लाई करना पड़ता है। और अगर हम कूलिंग पीरियड की बात करेंगे तो ये आपका निकल कर आता है 45 डेज। ध्यान रखिएगा, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, इनके इश्यू करने का प्रोसेस और इनके कैंसल करने का प्रोसेस, ये दोनों के दोनों आपके लिए रेलेवेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। अगर किसी बिजनेस में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब रेंट, सैलरी, ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। फाइनेंशियल क्या होगा? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी, मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर क्या होगा अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगी डिस प्रोपोर्शनेट पार्ट में प्रॉफिट बढ़ेगा। सेल्स वॉल्यूम के बढ़ने से प्रॉफिट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और वेरिएबल कॉस्ट के प्रोपोर्शन में हमारा प्रॉफिट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। यस प्लीज, ए बी सी और डी। हाँ जी बताएं इसका आंसर। इसको प्रूफ करते हैं। देखो, मान लेते हैं किसी बिजनेस में आपके पास सेल्स दे रखी है। हाँ, क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं और उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसका आंसर होना क्या चाहिए। किसी बिजनेस में हमें सेल्स दे रखी है और हमें सेल्स दे रखी है, मान लीजिए 50 रुपये पर यूनिट और हम 1000 यूनिट बेचते हैं। 50 रुपये पर यूनिट और हम 1000 यूनिट बेचते हैं तो हमारी सेल्स हो गई कितनी? 50,000। इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 20 रुपये पर यूनिट और 1000 यूनिट हमने बेसिकली सेल करे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 20,000, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 30,000। इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, एज्यूम कर लेते हैं कितनी फिक्स कॉस्ट लें, 10,000 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और हमारे पास जो बेसिकली प्रॉफिट्स हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, ये हमारे पास आ गए 20,000। ठीक, अब एक काम करते हैं, इस बिजनेस में फिक्स कॉस्ट हमने क्रिएट कर दी और अब हम अपनी सेल्स में इंक्रीज करते हैं। मान लेते हैं पहले 1000 यूनिट बेच रहे थे, अब हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गई 100% से। अगर 100% से इंक्रीज हो गई मतलब अब हम कितने यूनिट बेचेंगे? 2000 यूनिट। ठीक, तो अगर हम 2000 यूनिट बेचेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट लेकर चलते हैं, हम क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने क्वांटिटी को बढ़ाया है। तो अब आपकी सेल्स बेसिकली यहां पर हो जाएगी 2000 गुणा 50। 2000 गुणा 50 मतलब कि 1,00,000। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 2000, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी डबल हो जाएगी 40,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 60,000, वो भी 60% से बढ़ गया। फिक्स्ड कॉस्ट क्या मेरी इंक्रीज होगी? क्या मेरी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी? हाँ जी, क्या मेरी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी? फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो गया 50,000। मेरी सेल्स बढ़ी 100% से और मेरा प्रॉफिट बढ़ा है बेसिकली कितने परसेंट से? मोर देन 100% से। यही तो ऑपरेटिंग लीवरेज का बेनिफिट है। अगर आपको याद हो तो यहां पर मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ा? 30,000, 50 माइनस 20, 30,000, जो कि पहले था मेरे पास 20,000 इंटू 100। तो मेरा जो यहां पर बेसिकली प्रॉफिट बढ़ा वो बढ़ा है 150% से। तो ये प्रपोर्शन सेम है या डिसप्रपोर्शनेट है? हाँ जी, सेल्स के बढ़ने से अगर आपके बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट है
तो आपके पास सेल्स और प्रॉफिट का कंपोनेंट सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? आपके पास प्रपोर्शनेट चेंज मतलब सेम, डिसप्रपोर्शनेट चेंज मतलब अलग अलग। तो ये चेंज आपका क्या है? क्या ये डायरेक्टली प्रपोर्शनेट है? क्या सेम हुआ है? क्या ये सेम हुआ है? नहीं, ये डिसप्रपोर्शनेट है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुई 100% से, लेकिन आपका मुनाफा इंक्रीज हुआ 150% से। तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा? डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर? मोर देन प्रपोर्शनेट, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट नहीं होती तो सेम होता, तो ये ध्यान रखिएगा। और डायरेक्टली प्रपोर्शनेट टू द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी तो 50% से बड़ी थी, लेकिन ये तो आपका 100% से ज्यादा है, ये 100% से बड़ी थी। सो इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लीवरेज। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे दिक्कत आए तो आप इसको डायरेक्ट करने के बजाय केस स्टडीज एग्जाम्पल लें, उस एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। सो इट इज बेटर कि आप हिट एंड ट्रायल ना लें और आप उसको बेसिकली कंसेप्चुअल वाइज एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर इज बी, कैपिटल स्ट्रक्चर, वेरी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन। ओवर कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द कंपनी विच पोसेस एन एक्सेस ऑफ कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स एक्टिविटी लेवल एंड रिक्वायरमेंट। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है जब कंपनी के पास एक्सेस कैपिटल है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब जब रियलाइजेबल वैल्यू एसेट की कम है उसकी बुक वैल्यू से। बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है? मिक्स्ड आंसर, 50% ए 50% सी। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब जब कैपिटल का एक्सेस में होना, हमें कैपिटल चाहिए 60 लाख और कैपिटल है 80 लाख, ये कैपिटल ऐसे में हमारी आइडल पड़ी रहती है, वेस्ट पड़ी रहती है, इसे हम बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन मीन्स रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी इज लेस देन इट्स बुक वैल्यू। जानते हो ये कौन सी कैपिटल है? ये कौन सी कैपिटल है? ये है आपकी वॉटर्ड कैपिटल। इसे बेसिकली ये कैपिटल का वो हिस्सा है जो आपका इरोड हो चुका है, खत्म हो चुका है। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब जब कैपिटल कम हो, तो स्टेटमेंट टू आपकी यहां पे रहेगी इनकरेक्ट। क्लियर? हाँ जी, स्टेटमेंट टू इज फॉर वॉटर्ड कैपिटलाइजेशन। वॉटर्ड कैपिटलाइजेशन वो कैपिटल जो इरोड हो चुकी है। रियलाइजेबल वैल्यू है हमारी एसेट की 5 लाख और हमने बुक्स में दिखा रखा है कितना, 7 लाख। तो ये हमारा बेसिकली एक तरीके का लॉस है जो हमें इसे बुक कर लेना चाहिए, और हमारी ये 2 लाख की कैपिटल इरेज हो चुकी है, वॉटर्ड हो चुकी है, इसलिए इसे हम बोलते हैं वॉटर्ड कैपिटलाइजेशन। सो दैट स्टेटमेंट नंबर टू इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए। हाँ जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, CFAT निकालेंगे फटाफट से। कैश इनफ्लोस आफ्टर टैक्स हमें निकालना है इन द गिवन क्वेश्चन। EBDT दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, टैक्स ब्रैकेट दिया है।
जी किसी को आंसर मिला, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 20,000। ये डेप्रिसिएशन से पहले है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा जो कि कितना है 5,000, तो आपके पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 15,000। इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स जिसका रेट है 30%, तो टैक्स आ जाएगा आपके पास 4,500। अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,500, और इसमें हम वापस से ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉन कैश है, तो 5,000 हम ऐड बैक करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 15,500, 15,500। अरे 10,500 क्यों, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करोगे? डेप्रिसिएशन ऐड भी तो होगा। डेप्रिसिएशन ऐड बैक भी तो होगा क्योंकि नॉन कैश है। ठीक, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डालने के लिए इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई? MOA, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? हाँ जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो MOA में आपको मिलता है कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का बिजनेस दैट इज नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड ऑफिस। सो ये आपके पास बेसिकली जो MOA है इसमें आपके पास ये मेजर चीजें रहती हैं, कंपनी का नेम, कंपनी की कैपिटल, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का बिजनेस किस तरीके का होगा, ये आपके पास बिजनेस किस तरीके का मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव दैट इज एन ऑब्जेक्ट क्लॉज, और कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड और अनलिमिटेड। ये जो बेसिकली आप पार्ट देख रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज फॉर द इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये आपको मिलेगा कहां पर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी का काम किस चीज का होगा, दैट इज एन ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी के काम करने का तरीका कैसा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो होंगे बेसिकली आपके पास पॉइंट नंबर सी जो कि है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक, हाँ जी, बायलॉज का मतलब होता है कंपनी के अपने रूल्स, मतलब कंपनी लॉ तो है ही है, इसके अलावा कुछ कंपनीज अपने अपने रूल्स बनाती है, उसे हम बोलते हैं बेसिकली बायलॉज, दैट इज इंटरनल कंट्रोल, मतलब कि कंपनी के बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये बेसिकली आपके इंटरनल कंट्रोल्स जो है, बायलॉज जो है, ये बेसिकली आपके पास बनाए जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन इश्यू फॉर फ्यूचर का। हाँ जी, तो मुझे नहीं लगता इस पार्ट में अब किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ऐसा एक आधा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में आ जाता है, दैट इज सिंपल इश्यू ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, री इश्यू ऑफ शेयर, क्या इनका ट्रीटमेंट होता है दैट इज रेलिवेंट फॉर यू। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, कंपनी के काम करने का तरीका, उसमें सारे रूल्स आ जाएंगे।
देखें जरा इसको। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू. व्हेन ऑल द शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, द फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट विल ऑल्सो शो एज क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू द गेन ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर नॉट येट रीइश्यूड. इसमें क्या दिक्कत है? मान लीजिए मैंने 500 शेयर्स फोरफिट करे, 500 शेयर्स फोरफिटेड, एंड जो फोरफिटेड अमाउंट है, जो फोरफिटेड अमाउंट है ये मेरे पास है, मान लीजिए ₹3 पर शेयर, ₹3 पर शेयर. तो आप इसमें क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे. शेयर कैपिटल जो बेसिकली आपने पहले क्रेडिट करी थी उसे कैंसिल करेंगे किसी पर्टिकुलर अमाउंट से जितनी कॉल्ड अप है. टू टू शेयर फोरफीचर, और जो आपको बेसिकली पैसा नहीं मिला वो आप कैंसिल कर देंगे. शेयर अनपेड कॉल जो नहीं मिला, फोरफीचर में कितना जाएगा? 500 × 3 1500. फोरफीचर में कितना जाएगा? 500 × 3 1500. ये क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है शेयर फोरफीचर का. अब अगर मान लीजिए इस 500 में से मैंने 200 शेयर रीइशू कर दिए, इस 500 में से मैंने 200 शेयर रीइशू कर दिए, 200 शेयर रीइशूड, 200 शेयर रीइशूड, तो जो 200 शेयर्स के रिस्पेक्ट में अगर मैंने कुछ डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट मैं फोरफीचर से लूंगा, आपके पास जो अनइश्यूड शेयर है अभी भी वो कितने हैं? अनइश्यूड शेयर कितने हैं? 300. 300 के रिस्पेक्ट में फॉरफ्यूचर में अभी भी ₹900 पड़े रहेंगे. यही तो कह रहा है पॉइंट नंबर ए. और ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं ए इनकरेक्ट है. ए कैसे इनकरेक्ट हो जाएगा? अगर हमने सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू नहीं करे, कितने नहीं करे? 300. द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा किसके बराबर? उसके बराबर जो जितना शेयर फोरफीचर का हमने इशू नहीं करा. और वो कितना है? 900. तो फोरफीचर में तो 900 पड़े ही रहेंगे. ए तो बिल्कुल ठीक है. हाँ जी, जिन बच्चों ने ए दिया था वो गलत है. तो अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बताइए. लॉस जो री इश्यू ऑफ फोरफीचर पर हम देंगे, री इश्यू ऑफ शेयर पर देंगे, वो फोरफीचर के गेन से ज्यादा नहीं हो सकता. बिल्कुल, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट कंपनी कैन गिव ऑन द री इश्यू ऑफ शेयर. बिकॉज कंपनी को कम से कम टोटल पहले वाले शेयर होल्डर से और नए वाले शेयर होल्डर से दोनों से मिलाकर कम से कम कंपनी को फेस वैल्यू तो मिलनी चाहिए. पहले वाले ने दिए ₹7, दूसरे वाले से हम ₹3 ले सकते हैं, ₹4 ले सकते हैं, ₹5 ले सकते हैं, ₹10 मिनिमम मिलने चाहिए टोटल दोनों से मिलाकर. तो आपका डिस्काउंट फोरफिटेड शेयर से ज्यादा, फोरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता. दैट इज ट्रू. फोरफीचर के टाइम पर सिक्योरिटी प्रीमियम हम डेबिट करेंगे अलोंग विद द शेयर कैपिटल व्हेन द प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड. जब हमने शेयर होल्डर से पैसा मांगा होगा तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करा होगा कि हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना पैसा आएगा. शेयर होल्डर ने पैसा दिया नहीं तो क्या वो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा आएगा? नहीं. तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे. तो वो इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा. ये है आपके पास पॉइंट नंबर सी. दैट इज ऑल्सो ट्रू. व्हेन फोरफिटेड शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम, तो प्रीमियम अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे कहां पर? हम क्रेडिट करेंगे कहां पर? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, ना कि कैपिटल रिजर्व में. तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी. अब बताएं किसी को कोई डाउट इस सवाल में या कंसेप्ट से रिलेटेड? ठीक है. चलते हैं आगे. थोड़ा सा बेसिक को प्लीज आप क्लियर कीजिए ताकि ये क्वेश्चंस गलत ना होए. दो कंपनीज का मर्जर जो कि बीआई आफर बेसिकली सुपरविजन के अंडर होता है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सुपरविजन, उस मर्जर को हम क्या बोलते हैं? सो ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज अरेंज मर्जर. बी आई एफ आर बेसिकली जो
ट्रांसफरर एंटिटी है और ट्रांसफरी एंटिटी है, उन दोनों के बीच में अरेंजमेंट कराता है. सो दैट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर बोर्ड, इसलिए हम अरेंज मर्जर इसे बोलते हैं. नेगोशिएटेड मर्जर होता है बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब वो नेगोशिएट कर रहे हैं कि इस मर्जर में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी. तो वहां पर कोई सुपरविजन नहीं होता, वो कंपनी की अपनी अपनी नेगोशिएशन के हिसाब से होता है, उसे हम बोलते हैं नेगोशिएटेड मर्जर. रिवर्स मर्जर बेसिकली आपके पास जब एक लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को एक्वायर्ड कर ले फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स बेनिफिट, जिसे हम टैक्स फ्रेंडली मर्जर भी कहते हैं, वो आपका कहलाता है रिवर्स मर्जर. ऑफर फॉर सेल OFS, एक आपके पास डॉक्यूमेंट है बेसिकली शेयर को सेल करने के टाइम पर, तो ये एक अलग टर्म है. आंसर आ जाएगा ए, दैट इज एन अरेंज्ड मर्जर. सर बहुत दिन हो गए, अब रिवीजन करना पड़ेगा. तो इतने दिनों से पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन तो चलना ही चाहिए था. रिवीजन में गैप मत दिया करो, रिवीजन में गैप दोगे तो फिर फ्रेश स्टडी करोगे तो फिर से उतना टाइम लगेगा. आपके 2 रिवीजन में मिनिमम गैप रहना चाहिए. रिवीजन वही है जहां पर आपको चीजें दोबारा पढ़ते हुए समय कम लगे. समय ज्यादा लग रहा है तो फिर तो आपका वो फ्रेश पार्ट कहलाएगा. तो रिवीजन्स टाइमली करें, टाइम गैप रिवीजन्स के बीच में कम से कम हो, ध्यान रखें. हाँ जी, कौन से मेथड में एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलती है जब गुड्स इंपोर्टिंग कर, जब गुड्स बेसिकली इंपोर्टर के द्वारा बेच दिए जाएंगे? मतलब कि यहां पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट देगा, जब इम्पोर्टर कह रहा है मैं ये गुड्स बेच दूंगा तब आपको मैं पैसा दूंगा, अगर ये गुड्स बिकेंगे नहीं तो आपको गुड्स वापस मिल जाएंगे. इस पर्टिकुलर पेमेंट मेथड को कहा जाता है कंसाइनमेंट. ये कंसाइनमेंट आपका बेसिकली सेफेस्ट है किसके लिए? ये कंसाइनमेंट सेफेस्ट है किसके लिए? इम्पोर्टर के लिए. और ये आपका मेथड बेसिकली रिस्की है किसके लिए? एक्सपोर्टर के लिए. ये मेथड आपका रिस्की है किसके लिए? एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि गुड्स नहीं बिके तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, दैट इज कंसाइनमेंट. ओपन अकाउंट होता है जहां पर आपके पास बेसिकली बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. सो ओपन अकाउंट इन टर्म्स ऑफ बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और गुड्स डिलीवर करने के बाद 20 से 30 से 40 दिन में पेमेंट कर दी जाएगी. ये पर्टिकुलर जो क्रेडिट पीरियड होता है ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में डिसाइड होता है, दैट द पेमेंट शैल बी मेड इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ डेज, इट सर्टेन नंबर ऑफ डेज एज डिसाइडेड बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. लेकिन कंसाइनमेंट में क्या होता है? आफ्टर द सेल ऑफ द गुड्स बाय द इंपोर्टर. कैश इन एडवांस एक्सपोर्टर के लिए सेफ है और इंपोर्टर के लिए सबसे ज्यादा रिस्की है. लेटर ऑफ क्रेडिट और टाइप्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कर लीजिएगा. हाँ जी राजीव, बताएं. ओपन अकाउंट में जब तक इंपोर्टर का गुड सेल नहीं होगा वो एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं करेगा. हाँ जी पारस, तो एक्सपोर्टर के लिए सबसे ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए एक्सपोर्टर इस मेथड से बचता है. एक्सपोर्टर कहता है मेरे गुड्स भी ब्लॉक हुए और गुड्स नहीं बिके तो पैसा भी नहीं मिलेगा. ऐसा पता है एक्सपोर्टर कब करता है? जब एक्सपोर्टर का बिजनेस डोमेस्टिक कंट्री में बहुत अच्छा चल रहा है और उसे अपनी एक प्रेजेंस बनानी है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो बाहर के पर्टिकुलर अपने कस्टमर को कहता है कि तुम इसे बस डिस्प्ले में रखो, जब बिक जाएगा तब पैसे दे देना, नहीं बिकेगा तो गुड्स वापस दे देना. तो ऑलरेडी जो एक्सपोर्टर है उसका कई कंट्रीज में बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो और कंट्रीज में वो बिजनेस बढ़ाना चाहता है, तो वो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल को ब्लॉक करने के लिए रेडी है. कोई भी ऐसा अगर न्यू एक्सपोर्टर होगा तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इतने फंड्स नहीं होंगे. ठीक है ना?
ओपन एंड कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? कंसाइनमेंट मैंने आपको बताया, पेमेंट शेल बी मेड, आफ्टर सेल, जब गुड्स बिकेंगे तब, ये आपका कहलाएगा कंसाइनमेंट। और ओपन अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर अ पर्टिकुलर, ये नंबर ऑफ डेज पहले से फिक्स होंगे, पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज आफ्टर डिलीवरी, मतलब गुड्स के डिलीवर्ड होने के बाद 30 दिन के अंदर इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पैसा देगा, चाहे गुड्स बिके चाहे गुड्स ना बिके। दैट इज द डिफरेंस। ओपन अकाउंट में आपके पास डिलीवरी के एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज एक्सपायर्ड होने के बाद पेमेंट होगी, और कंसाइनमेंट में सेल होने के बाद ही पेमेंट होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो ओपन अकाउंट में चाहे गुड्स बिके चाहे ना बिके, उतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी। अंकित, इज इट क्लियर? हाँ जी, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑलरेडी मेरे पास आंसर आ चुके हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली द बेनिफिट शुड बी मोर देन कॉस्ट, एंड जुडिशियस पॉलिसी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द सरप्लस, दैट इज कंपनी को अपने डिविडेंड से रिलेटेड जो पॉलिसी रखनी चाहिए वो बेसिकली इस तरीके से रखनी चाहिए कि कंपनी के पास फंड्स की शॉर्टेज ना हो जाए और फंड्स आइडल भी ना पड़े रहें। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी शायद किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर IRR? हाँ जी, एक प्रोजेक्ट की एक IRR होगी, तो आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है क्या, अगर किसी प्रोजेक्ट में आपके पास अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज हैं विच इज नॉट ऑर्डिनरी, तो अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज में आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर दो IRR मिल सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल IRR। और मल्टीपल IRR में प्रोजेक्ट का नॉर्मल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रूल अप्लाई नहीं होता, ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है ओनली विद इन द पर्टिकुलर रेंज। तो आपके पास ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अगर IRR फॉर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, कहने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब डिस्काउंट रेट है मान लीजिए 12% और IRR आपके पास है 15%, 15% और डिस्काउंट रेट है कम, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट? नहीं, IRR कम है, IRR कम है तो ये 10 लेना पड़ेगा। अगर किसी प्रोजेक्ट की IRR कम है मतलब कि 10 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट? सवाल कह रहा है रिजेक्ट। हाँ जी, अगर आपके पास IRR कम है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है मतलब इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा है मतलब NPV होगी नेगेटिव, नेगेटिव होगी तो क्या कर देंगे? रिजेक्ट। दैट इज ट्रू। और ये मैंने आपको बता ही दिया मल्टीपल IRR, आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि आपके पास बी और सी दोनों करेक्ट है। किसी को कोई डाउट इस सवाल में? ठीक है। हाँ जी, IRR कम है, डिस्काउंट रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा है,
तो ऐसे में प्रोजेक्ट की एनपीवी माइनस में आएगी। आईआरआर पर एनपीवी यहां पर आपके क्या होगी, जीरो। अब अगर आपका डिस्काउंट रेट बढ़ जाए, मतलब इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाए, तो एनपीवी हो जाएगी माइनस में। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो एनपीवी आपकी घटेगी, दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। तो ऐसे में 12% पे एनपीवी माइनस की तरफ चली जाएगी और प्रोजेक्ट आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे इस सिनेरियो में, इसलिए रिजेक्ट कर देंगे। मल्टीपल आईआरआर मतलब एक प्रोजेक्ट की दो आईआरआर, दो आईआरआर मतलब इस तरीके से आपके पास बेसिकली मल्टीपल आईआरआर का कंसेप्ट आता है कि हमारे पास डिस्काउंट रेट जो है ये आपके पास जीरो है, हमारे पास डिस्काउंट रेट जो है वो बेसिकली बढ़ रहा है और एनपीवी बढ़ रही है, और एक पर्टिकुलर रेंज के बाद आपकी एनपीवी फिर घटने लगेगी। तो पहले क्या हो रहा है, पहले आपके पास जैसे जैसे ये डिस्काउंट रेट ये जीरो है, जैसे जैसे ये डिस्काउंट रेट बढ़ रहा है, एनपीवी पहले बढ़ रही है, डिस्काउंट रेट और बढ़ रहा है, तो अब एनपीवी घटनी चालू हो गई। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट होते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट की दो आईआरआर है। इस रेंज में हम प्रोजेक्ट को बेसिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास कंसेप्ट है किसका, मल्टीपल आईआरआर का, एमआईआरआर का। ठीक, हाँ जी, देखें इधर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डेरिवेटिव का सवाल है। बेसिकली आप जब किसी ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको ब्रोकर के पास बेसिकली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन डिपॉजिट कराना होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इनिशियल मार्जिन। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो स्टार्टिंग में आप पर्टिकुलर पोजीशन में एंट्री लेने के लिए मार्जिन जमा कराएंगे, इसे हम बोलते हैं क्या, इनिशियल मार्जिन। अब फ्यूचर में डेली सेटलमेंट होता है, जो भी आपके ट्रेडिंग से नफा नुकसान होगा वो आपके अकाउंट में शाम तक या तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, या फिर नुकसान है तो आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। ठीक, अब आपने कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करी और ये इनिशियल मार्जिन 1.5 लाख रुपए का चाहिए था, आपने ये 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये 1,50,000 डिपॉजिट करा दिए। अब आपने जब ये पोजीशन ली, तो उसके बाद आप मान लीजिए कि आपका मार्जिन एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पर्टिकुलर पोजीशन वो आपके फेवरेबल में रहा, और आपका मार्जिन यहां पर इंक्रीज हो गया। ब्रोकर आपको कुछ नहीं कहेगा, पहले 1,50,000 थे, अब आपके 1,50,000 से ज्यादा हो गए, मान लीजिए 1,55,000, आप चाहे तो 5,000 यहां पर विड्रॉ भी कर सकते हैं, ब्रोकर कुछ नहीं कहेगा। नेक्स्ट डे आपके पास, आपने पोजीशन स्क्वेयर ऑफ नहीं करी क्योंकि आपको था प्राइस और बढ़ेगा, लालच आपका खत्म नहीं हुआ और ये प्राइस घट गया और ये मार्जिन घटकर आ गया 1,48,000। अब आपके पास अभी भी बेसिकली आपके पास 1,48,000 है, मतलब नेट लॉस आपका 2,000 का है, जो पिछले दिन मुनाफा कमाया था वो गया और अब मार्जिन रह गया 1,48। अब अगर ये मार्जिन एक पर्टिकुलर और लिमिट से घट जाए, तो ब्रोकर आपको कहता है पैसे जमा कराओ, नहीं तो आपकी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दिया जाएगा। मतलब इससे नीचे कहीं ना कहीं आपको एक और मार्जिन मिलता है, जिसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन मतलब ये आपका मार्जिन हमेशा होना चाहिए ताकि ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ ना करे। अगर आपके पास प्रॉफिट और लॉस इसी के बीच में घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ये यहां पर नीचे आ जाएगा, ब्रोकर आपको कह रहा है पैसे जमा कराओ नहीं तो तुम्हारी पोजीशन काट दी जाएगी। कितने पैसे जमा कराओ, वापिस से यहां तक, मतलब ब्रोकर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बीच में
बार बार बोलता रहेगा अब घट गया, अब जमा कराओ, अब बढ़ गया, विड्रॉ कर लो, विड्रॉ करना ना करना आपके हाथ में है। लेकिन अगर ये मेंटेनेंस से नीचे गया तो टॉपअप कराना पड़ेगा इनिशियल मार्जिन तक मिनिमम, ताकि आपकी पोजीशन कटे नहीं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास दो मार्जिन है, एक इनिशियल और एक मेंटेनेंस। तो जो इनिशियली हम जमा कराते हैं वो है इनिशियल मार्जिन, और मेंटेनेंस मार्जिन इनिशियल मार्जिन से लोअर होता है। जैसे ही आपके पास ये मेंटेनेंस मार्जिन के फर्दर नीचे जाएगा, टॉप अप करा लिया तो ठीक, नहीं तो आपकी पोजीशन हो जाएगी स्क्वायर ऑफ। ठीक, हाँ, तो बेटर था ना यहीं पे 1,55,000 ले लेते। तुमने कहा नहीं और ज्यादा और ज्यादा, अब ये मिला और ज्यादा, लालच खत्म हुए तो ना। चले अगले सवाल पर। अगर आपके पास वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न है फॉर्म के स्पेसिफिक फैक्टर से, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। हाँ कि ना? हाँ। और रॉ मटेरियल की स्कार्सिटी, मतलब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, लेबर ने कर दी स्ट्राइक, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, और ये कुछ उदाहरण है नॉन सिस्टमैटिक रिस्क के। हाँ जी बताएं इसका आंसर क्या होगा, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। कह रहे हैं ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, दोनों ऑपोजिट है, मतलब बोथ आर रॉन्ग, तो दिया ही नहीं है। सिस्टमैटिक होता है क्या, रिस्क को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टोटल रिस्क को, टोटल रिस्क को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। इसमें आपके पास दो चीजें आती हैं फर्दर, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब जो रहेगा ही रहेगा, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का रिस्क, जैसे कि परचेजिंग पावर का रिस्क, जैसे कि करेंसी का रिस्क, जैसे कि मार्केट की फ्लक्चुएशन का रिस्क, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सिस्टमैटिक है। अनसिस्टमैटिक मतलब किसी कंपनी के पास एक्सेसिव डेट है, उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। अनसिस्टमैटिक मतलब जिसे आप अवॉइड कर सकते हो, जैसे किसी कंपनी में मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी है, या फिर किसी कंपनी में प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है, पी रेशियो बहुत ज्यादा है, उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करना। अभी तुमने देखा रिसेंट में क्या हुआ, प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी मल्टीपल टाइम्स थी, शेयर के प्राइस बढ़ रहे थे और सडन ऑफ पता नहीं क्या हुआ। इसके अलावा अगर किसी कंपनी में स्ट्राइक है, अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट और ऑपरेशनल पार्ट में डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दिक्कत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है कंपनी में, तो वहां इन्वेस्ट मत करो, वो अनसिस्टमैटिक है। और क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म के स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक मतलब फॉर्म से रिलेटेड, तो वो सिस्टमैटिक नहीं है, वो अनसिस्टमैटिक है। और ये जो आप नीचे के देख रहे हो ये है आपके अनसिस्टमैटिक। तो आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? हाँ, अडानी 80% तक शेयर टूटने थे, टूट गए, 10% बाकी है और अभी मामला दबा नहीं है। डेट शीट तो 2 या 3 के, 3 तारीख को ही आएगी आपकी, 3-4 को स्मृति फेस टू होने के बाद। हाँ, प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो इस 1 रुपए के पीछे, 1 रुपया ईपीएस के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, वो कहलाता है आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। तो अगर ये ज्यादा है मतलब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा,
अब एग्जैक्टली पार्ट क्या है, अदानी के ग्रुप में या अगर कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है, मतलब मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो अर्निंग पर शेयर तो कम है, मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है। तो मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है, अर्निंग कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा करनी पड़ेगी और ईपीएस उतना ही मिलेगा। तो बेटर है वो कंपनी ढूंढो जिसका मार्केट प्राइस कम हो और अर्निंग पर शेयर अगर वो सेम सेक्टर में है और उसी के बराबर है तो उसमें इन्वेस्ट करो जिसका मार्केट प्राइस कम है और ईपीएस सेम है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। दैट्स व्हाई हम पीई रेशियो को बेसिकली कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और जहां पर ये बहुत ज्यादा होती है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ धांधलेबाजी है या फिर ऑपरेटर का गेम है या प्राइस को जबरदस्ती बढ़ाया गया है, और बेहतर है कि उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं रजनी, ये एग्जाम का लेवल ही है, ये एग्जाम का लेवल ही है। एग्जैक्टली सर, अजर्शन सही लग रहा है। अजर्शन देखें, यहां पर लिखा है स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर मतलब उस फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म में स्ट्राइक चल रही है, फॉर्म में मैनेजमेंट में दिक्कत है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दिक्कत है, प्राइस बहुत ज्यादा है, फॉर्म का अर्निंग पर शेयर कंपैरेटिवली कम है, तो ये सब क्या है, फॉर्म के स्पेसिफिक फैक्टर है। जब फॉर्म विशिष्ट कारकों के कारण, मतलब फॉर्म के अपने कारणों से रिलेटेड, रिटर्न की परिवर्तनशीलता होती है, तो इसे हम बेसिकली बोलते हैं विस्तृत जोखिम। तो ये आपका बेसिकली एक तरीके का अनसिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है, सिस्टमैटिक नहीं कहलाता। ठीक है, हमारे सही लगने से नहीं होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से देखना पड़ेगा। हाँ, हमारे लगने से क्या होता है, मुझे लगता है कल मार्केट ऊपर जाएगा, नुकसान हो जाता है, गिर जाता है, मेरे हिसाब से थोड़ी मार्केट चलेगा। हमें लगता कुछ है, होता कुछ है, क्या करें? असेट सिक्योरिटाइजेशन बता के जाऊंगा आज। ठीक है रेनू, मैंने ऑलरेडी इस पे नोट बना रखा है, लेकिन शॉर्ट वीडियो अभी तक आया नहीं। चले आगे। अनसिस्टमैटिक कंट्रोलेबल है सामने, बिल्कुल अनसिस्टमैटिक कंट्रोलेबल है। हाँ, कह रहे हैं हमारे लगने से सवाल गलत होता है। हाँ, हमारे मन के अनुमान से क्या होगा, हमारे मन के अनुमान से सब होता तो बात ही क्या थी। टेम्परेरी और सीजनल एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है पारस। टेम्परेरी और सीजनल दोनों एक हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चले आगे। हाँ, अब मेरा मन कह रहा है अदानी के शेयर इससे नीचे नहीं जाएंगे, क्या खरीद लूँ? नहीं, मेरे मन से क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है अभी और सस्ता मिलेगा, वेट करो। चले आगे। लो सीएपीएम लगाओ, फटाफट से बताओ एबनॉर्मल रिटर्न कितना। आरएफएस सिक्स, सिक्स है, मुझे तो दिख नहीं रहा, चार है। आरएफएस चार प्लस बीटा है 1.5, आरएम है 14 और आरएफ है 4, ये आ जाएगी एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न को डिनोट करते हैं आर बार से, तो 4 प्लस 15 मतलब कि 19, एक्चुअल में मेरी रिटर्न हुई 22। बहुत बढ़िया, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा, तो जो एक्सेस में मिला वो क्या है, एबनॉर्मल रिटर्न 3%। जो एक्सेस में मिला वो क्या है, एबनॉर्मल रिटर्न। ठीक, लीगल के क्वेश्चंस अभी आगे आने वाली क्लास में होंगे, डोंट वरी, हम डिस्कस करेंगे। लीजिए, सर नॉट क्लियर, अभी दोबारा आता हूँ सीता, उस पर वेट करें।
अभी एक्सप्लेन करता हूँ सीएपीएम। इस क्वेश्चन को देखें, अमाउंट कमिटेड पेंशन के साथ एम्प्लॉय को मिल रहा है जिसने ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करी, नॉट रिसीविंग अ ग्रेच्युटी, नॉट रिसीविंग अ ग्रेच्युटी इज एग्जेम्प्ट अप टू, ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करी तो एग्जेम्पशन ज्यादा होगी, मतलब कितनी, हाफ, 50%। ठीक है, वन थर्ड होगी क्या? वन थर्ड का मतलब हो गया 33.33। अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो वन थर्ड है, ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो हाफ है, बी होगा। अरे ग्रेच्युटी तो मिली नहीं, बी होगा या ए होगा? ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो बेनिफिट ज्यादा, तो एग्जेम्पशन हो जाती है कम, कॉम्युटेड पेंशन में वन थर्ड, हाफ होगा। मुझे डाउट दिला रहे हैं, देखें इधर इस क्वेश्चन में क्या डाउट है। बेसिकली आरएफ, मिनिमम आरएफ तो चाहिए ही चाहिए, प्लस बीटा इनटू आरएम माइनस आरएफ, इसे हम बोलते हैं क्या, मार्केट प्रीमियम, इसे हम बोलते हैं मार्केट प्रीमियम। ये हमें एडिशनल चाहिए क्योंकि हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब हम बीटा को साथ में ले लेंगे इसे हम बोलते हैं क्या, एडिशनल रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक। जो बीटा होता है वो आपका स्टॉक स्पेसिफिक होता है, जो बीटा होता है वो आपका स्टॉक स्पेसिफिक होता है, और ये एडिशनल रिटर्न मिलता है इक्विटी में इन्वेस्ट करने की वजह से। और जब हम इस पूरे को कंसीडर कर लेंगे तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक। अगर आपको मार्केट प्रीमियम दे रखा हो तो समझ जाना आपको आरएम माइनस आरएफ दे रखा है डायरेक्टली। कॉम्यूटेड के केस में वन थर्ड होता है या हाफ होता है वो डिपेंड करेगा एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिली या नहीं मिली। पारस, अगर ग्रेच्युटी मिली तो एग्जेम्पशन कम, मतलब 33.33% और वन थर्ड ऑफ द टोटल 100% वैल्यू ऑफ द कॉम्यूटेड पेंशन। और अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिली तो 50% और हाफ ऑफ द 100% वैल्यू ऑफ द कॉम्यूटेड पेंशन। ठीक, चलें आगे। लीजिए बियर, बुल, बक, स्टैग, क्वेश्चन के आखिरी में पूजा ये डाउट लेंगे। सबसे पहले मुझे आज सिक्योरिटाइजेशन एक्सप्लेन करना है, ठीक है? हाँ जी, स्पेकुलेटर जो बाय करता है और सेल करता है स्टॉक को शॉर्ट टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम कितना, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम आपका होता है जनरली विद इन द डे, विद इन द डे, और विद इन द डे की अगर हम बात करें तो ये आपका एक मिनट से लेकर एक दिन तक हो सकता है, ठीक है? और इसको बेसिकली हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं स्टैग। बक जो होता है बेसिकली ये लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से होता है। अगर हम बुल की बात करें तो बुल क्या है, जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट बढ़ेगी। बियर की बात करें तो क्या है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट घटेगी। स्टैग की बात करें तो स्टैग एक शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर होता है, डे ट्रेडर, जो कि प्रॉफिट लेता है शॉर्ट टर्म प्राइस के मूवमेंट से। और
और जो स्टैग है वो बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है, उसे बेसिकली जो है शॉर्ट टाइम में बेसिकली जो प्रॉफिट है उसे अर्न करना है। और जो बक की बात करते हैं, बक बेसिकली आपके पास BUC के अगर सिक्योरिटी का प्राइस उनको एक्सपेक्ट है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा जो जनरली अभी चल रहा है, तो वो हम यूज करते हैं बक का, BUCK का। बुल मीन्स हु इज एक्सपेक्टिंग अ अप ट्रेंड, बियर मीन्स हु इज एक्सपेक्टिंग अ डाउन ट्रेंड। बुल और बियर आपके ऑपोजिट टर्म्स हैं। आंसर बताएं फटाफट से इसका। हाँ, स्टैग मीन्स विद इन द सिंगल डे। वेट करें पारस, स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन हम चर्चा करेंगे अभी, एक बार ये करा दें। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट की टर्म्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाता है उसे हम इन्वेस्टर बोलते हैं, कोई 5 से 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग करता है उसे हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, कोई एक दिन से लेकर 3 महीने तक अपना पैसा जो है बेसिकली किसी शेयर में लगाते हैं उसे हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम के बेसिस पर अलग अलग पर्सन को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। स्टैग मतलब जो एक बहुत शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर है और फटाफट प्राइस मूवमेंट के चलते वो बेसिकली प्रॉफिट को अर्न करेगा, उसे हम बोलते हैं क्या, स्टैक। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शेयर्स द सेम ऑब्जेक्टिव एज पर्सनल मैनेजमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या HRM और पर्सनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव एक जैसा ही है? हाँ जी, क्या HRM और पर्सनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है? क्या दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है? हाँ, दोनों सेम होते तो फिर तुम्हें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ती? पर्सनल मैनेजमेंट ट्रीट्स द एम्प्लॉई एज एन मशीन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रीट्स द एम्प्लॉई एज एन एसेट, दे आर अकाउंटेड फॉर कि वो आने वाले टाइम में कितना बेनिफिट देंगे। सो बोथ आर डिफरेंस, नॉट सेम। ठीक है, एग्जैक्टली, HRM इज अ वाइडर टर्म। ध्यान से पढ़ें इस सवाल को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेफरेंस टू द रिटर्न ऑन इक्विटी? अगर डेट का इन्वॉल्वमेंट है इक्विटी के साथ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विल नॉट एग्जिस्ट। डेट का इन्वॉल्वमेंट है विद द इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मस्ट एग्जिस्ट। अगर डेट का इन्वॉल्वमेंट है इक्विटी के साथ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में और मे नॉट एग्जिस्ट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होगा ही होगा और नहीं होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। सबसे सिंपल ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव। एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से आप क्या समझते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जिसे हम फाइनेंशियल लीवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं, ये बेसिकली आपके पास टर्म है क्या, जब जब इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न बिजनेस की रिटर्न से भी ज्यादा हो, ROI से भी ज्यादा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? बिजनेस से बेसिकली कोई व्यक्ति कमा रहा है कितना, 12%, और शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 15%। अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो इसे कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो इसे कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ये सिचुएशन कब अराइज, कब एग्जिस्ट करेगी जानते हो? जब आपके पास बिजनेस में जो हम कमा रहे हैं ROI टैक्स के बाद, वो बेसिकली आपके पास फिक्स्ड प्रोवाइडर जो बेसिकली है डेट और प्रेफरेंस उनकी कॉस्ट से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि डेट वालों को तो फिक्स देना है, तो डेट वालों पे जो हमने एडिशनल कमाया
वो किसको देंगे? इक्विटी को। इक्विटी वालों ने अपने पैसों पे तो कमाया ही कमाया, जो डेट की प्रोपोर्शनेट सेविंग थी वो भी इक्विटी वालों को मिल गई, जिस सिचुएशन को कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कंडीशन क्या है कि एक फॉर्म अपने बिजनेस में उतना रिटर्न जनरेट करे, उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करे जो हमने प्रोवाइडर फिक्स्ड वालों को देना है, ताकि जो एडिशनल है वो किसको मिल जाए? इक्विटी वालों को। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर ये पॉसिबल है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब आंसर इज सी, और बिना डेट और प्रेफरेंस के हुए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं हो सकता। ठीक, फिर भी मस्ट कैसे हो जाएगा? ये कंडीशन है, अगर एक पर्टिकुलर फॉर्म मान लीजिए डेट वालों को दे रही है 15%, मतलब 15% देना ही देना है, और फॉर्म कमा रही है 10%, तो ये बचा हुआ 5% तो इक्विटी की जेब से जाएगा, और उस केस में इक्विटी वालों का है लॉस, और ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं है। तो आपके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, थिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और थिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फर्दर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का डिवीजन है। अगर हमारे पास इक्विटी का प्रपोर्शन ज्यादा है, डेट का प्रपोर्शन कम है। अगर हमारे पास इक्विटी ज्यादा है, डेट कंपैरेटिवली कम है, इसे हम बोलते हैं थिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर इक्विटी कम है, डेट ज्यादा है, इसे हम बोलते हैं थिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड इनटू ट्रेडिंग थिक एंड ट्रेडिंग थिन। ठीक है, आंसर इज सी। हाँ जी, देखें इसका आंसर क्या होगा। लो भाई लो, हिंदी में देखो, आंसर दे रखा है हिंदी में, बताओ अब मैं क्या इस सवाल को डिस्कस करूंगा। ट्रू देखना है। डिबेंचर्स इश्यूड बाय वन कंपनी हेल्ड बाय अदर कंपनी आर एलिमिनेटेड। ठीक है, बिल ड्रॉन दैट इज बिल डिस्काउंटेड, ये तो ऑलरेडी ग्रुप में है ही नहीं, तो इसे हम एलिमिनेट करते ही नहीं है। गुड्स उधार बेचे दोनों में एंट्री है, आंसर बी दे रखा है। तुमने अच्छा बोला, हिंदी में दिखाओ। लो देख लो, जो कॉमन आइटम्स होते हैं ग्रुप की, मतलब जो विद इन द ग्रुप होल्डिंग और सब्सिडरी अभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, उनके इफेक्ट को नलिफाई किया जाता है। जो सी पॉइंट है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को बिल रिसीवेबल बिल्स दिया और सब्सिडरी ने वो बिल आगे दे दिया, तो वो बिल अब ग्रुप में है ही नहीं, तो इसलिए उसे हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। खाली उन्हीं ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करते हैं जो जो विद इन द ग्रुप है। ठीक है, बिल इफ एंडोर्स्ड शेल नॉट बी एलिमिनेटेड। सर ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, कल मॉक टेस्ट में था और मेरा रॉन्ग हुआ था। जो ग्रुप के बीच में अभी तक है, उन सबको हम हटा देंगे, क्योंकि वो आपके पास बेसिकली एज अ पार्ट दिखा रहा है कि हमने अपने आप को ही गुड सेल कर दिए, हमने अपने आप को ही बिल इशू कर दिया, क्योंकि कंसोलिडेशन में हम दोनों की बुक्स को मर्ज कर रहे हैं। लेकिन वो बिल जो ग्रुप में है ही नहीं, तो वो तो आपके पास बेसिकली किसी और के पास चला गया, तो उसके इफेक्ट को हम नलिफाई नहीं करेंगे। दैट्स अ पार्ट। पारस, ए बी और डी, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या? दे आर हेल्ड विद इन द ग्रुप। विद इन द ग्रुप से मेरा क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए होल्डिंग और सब्सिडरी दो कंपनीज हैं। अब होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे, सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचे, ये कलेक्टिवली ग्रुप है। तो इनके आपस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जब मैं इनके खातों को मर्ज करूंगा, तो क्या इफेक्ट आएगा? कि मैंने अपने आप को ही गुड्स बेचे। तो इसलिए जो विद इन द ग्रुप कॉमन ट्रांजेक्शन है उसे नलिफाई कर देते हैं।
लेकिन अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को कुछ बिल दिया, सब्सिडरी ने वो बिल आगे दे दिया, अब वो बिल सब्सिडरी की बुक्स में तो है ही नहीं, तो उसे एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है व्हाइल डूइंग द कंसोलिडेशन, क्योंकि विद इन द ग्रुप अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट्स व्हाई। ठीक है, हाँ जी, और किसी का कोई और डाउट? हाँ तो लिखा तो है शेल नॉट बी एलिमिनेटेड, तभी तो सीन एलिमिनेट नहीं होगा, तभी तो हमारा आंसर बी है। बिल डिस्काउंटेड बाय वन कंपनी एंड एंडोर्स बाय अदर कंपनी, विल बी एलिमिनेटेड। हाँ तो इसे एलिमिनेट नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये अब जा चुका है दूसरी के पास, जो विद इन द ग्रुप है उसे ही तो एलिमिनेट करेंगे अंकित, क्योंकि ये आपके पास अब है ही नहीं, तो ये कह रहे एलिमिनेट करेंगे, जब ग्रुप में है ही नहीं तो एलिमिनेट कैसे करोगे, तो ये नॉट लिखा होना चाहिए था बट नहीं लिखा, इसलिए सी गलत हो जाएगा। ठीक, ओके, ठीक है, आओ अब हम एक कंसेप्ट समझते हैं, और वो कंसेप्ट है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन का, कंसेप्ट है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन का। एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक नैरोअर टर्म है, मैं आपको ये टर्म एक वाइडर टर्म में समझा रहा हूं, तो ये आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है अंकित, हमारे पास एक एक्ट है दैट इज सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन सरफाइसी एंड सिक्योरिटाइजेशन ये एक्ट तुमने पहले सुना है?
क्या ये एक्ट पहले तुमने सुना है? हाँ जी, क्या ये एक्ट तुमने पहले सुना है? सर फाइसी, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब ये एग्जैक्टली है क्या, इसे समझें। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं बैंक की, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैंक के कस्टमर की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैंक के कस्टमर की। जब बैंक कोई पर्टिकुलर लोन देगा कस्टमर को, तो बदले में कस्टमर बैंक को देगा क्या? एसेट। बदले में बैंक कस्टमर बैंक को देगा क्या? एसेट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? सिक्योरिटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? सिक्योरिटाइजेशन। अब अगर ये कस्टमर बैंक का लोन रीपे ना करे, अब अगर बैंक को ये कस्टमर पैसा ना दे, बैंक क्या करेगा? अगर बैंक को बैंक का पैसा ना मिले तो बैंक क्या करेगा? आप कहेंगे सर बैंक जो है बेसिकली इस एसेट को बेच देगा जो ये सिक्योरिटी है, और ये राइट बैंक के पास है। बैंक के पास ये अधिकार है कि वो आपकी सिक्योरिटी को बेचकर अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकता है। बिल्कुल, दैट इज कन्वर्ट कर देगा। लेकिन क्या बैंक का ये काम है? क्या बैंक का ये बिजनेस है कि आज इसने पैसा नहीं दिया इसकी एसेट को बेच दो, आज इसने नहीं दिया इसकी एसेट को बेच दो? बैंक का हार्डकोर काम क्या है? पैसे को बेसिकली अपने पास डिपॉजिट कराना और उस पैसे को बेसिकली लोन की फॉर्म में कस्टमर को देना। बैंक के पास ये अधिकार है कि वो एक्शन ले सकता है बैड लोन के केस में। लेकिन बैंक अगर इस एसेट को बेचना चाहे तो बैंक के पास ये अधिकार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक के लिए ये हर लोन के लिए करना फिजिबल नहीं है। आप कुछ सोचो, तो बैंक तो सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज, सेल परचेज ऑफ एसेट उसमें चला जाएगा। सो दैट इज व्हाट, कहीं ना कहीं बैंक के लिए बेसिकली डायरेक्टली उस एसेट को बेचना बैंक के लिए बेसिकली फिजिबल नहीं है। अब बैंक को क्या चाहिए? बैंक के पास बैंक की किसी बैलेंस शीट में अगर बैड लोन ज्यादा से ज्यादा होंगे, बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। बैंक को चाहिए कि अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखें। बैलेंस शीट को क्लीन रखें मतलब जो बैड लोन्स हैं उसको हटाएं। अब बैड लोन्स कैसे हटाएंगे? इसने पैसा नहीं दिया, एसेट को बेच के पैसा रिकवर कर लो और ये बैड लोन हमारी बैलेंस शीट से ऑफ हो जाएगा। तो बैंक को चाहिए अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखना, बट एट द सेम टाइम ये पॉसिबल नहीं है बैंक के लिए कि वो हर बार इन एसेट को खुद अपने आप बेचे। अब इंडिया में बेसिकली हमारे पास क्या है? इंडिया में हमारे पास कंपनीज बनाई गई जिसे हम बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे हम बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये आरबीआई के अप्रूवल से बनेगी, ये आरबीआई के अप्रूवल से बनेगी, दैट इज एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये जो बेसिकली बैंक के पास ये एसेट पड़ी है, बैंक के पास जो ये एसेट पड़ी है, बैंक बेसिकली इस पर्टिकुलर एसेट को ट्रांसफर कर देगा किसके पास? इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास। सिक्योरिटाइजेशन, ये था सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। रिकंस्ट्रक्शन कैसे? इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ बैंक सेटलमेंट करेगा। किस तरीके की सेटलमेंट? कि इस कस्टमर का इतना पैसा है और हमारे पास ये एसेट पड़ी है जिसकी वैल्यू इतनी है, ये एसेट तुम हमसे ले लो, बदले में हमें पैसा दे दो। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बदले में कितना पैसा देगी? कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन होगा। और बैंक के जो बेसिकली बैड लोन थे, जो बैंक ने ये एसेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दी, बैंक के जो बैड लोन थे वो उसकी बुक से हट गए और बैंक को बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बेसिकली पैसा रिलाइज होगा। और ये पैसा आरबीआई के अकॉर्डिंग, जो बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, सारा पैसा एक साथ नहीं देगी,
15% तकरीबन तकरीबन कैश की फॉर्म में और 85% तकरीबन तकरीबन सिक्योरिटी रिसीट की फॉर्म में ये पैसा दिया जाता है। ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये बेसिकली रजिस्टर्ड होती है कहाँ से, दैट इज फ्रॉम अप्रूव फ्रॉम आरबीआई। जितनी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इंडिया में होंगी वो आरबीआई के द्वारा अप्रूव होंगी। दोबारा से नाम पढ़ें, सिक्योरिटाइजेशन जो बैंक ने सिक्योरिटी क्रिएट करी जब कस्टमर को लोन दिया था, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, बैंक ने बेसिकली इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जो बैंक के लिए एसेट थी बैड लोन उसको रिकंस्ट्रक्ट करा और उसको कन्वर्ट करा लिक्विड में, मतलब जो बैंक की इनलिक्विड एसेट थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचकर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचकर उसे कन्वर्ट कर लिया, किसमें उसे कन्वर्ट कर लिया एक इमीडिएट लिक्विड फॉर्म में। एंड अब ये किसके लिए है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वो अधिकार किसके पास आ जाएगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो एसेट को बेचने का अधिकार हमारे पास है वो हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम इस एसेट को अब सेल करके पैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज कर सकते हो। तो इसमें आपको तीन चीजें मिली, एक सिक्योरिटाइजेशन जब बैंक ने उस लोन को सिक्योर्ड करा इनिशियली, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचा और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस सिक्योरिटी में अपने इंटरेस्ट को एनफोर्स करेगी और पैसे को रिलाइज करेगी, दैट इज एसेट बाय द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये आपका कहलाता है कंप्लीट एक प्रोसेस अंडर द पार्ट ऑफ सरफाइसी। अब ये किस तरीके से अपना बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये एक्ट बनाया गया दैट इज सरफाइसी, और पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर आपको इस एक्ट में दे रखा है। हाँ करण, इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक, बैंक की लिक्विडिटी इससे इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज बैड लोन इमीडिएट गुड लोन्स में आपके कन्वर्ट हो गए, दैट्स अ पार्ट। क्लियर, ये था आपका प्रोसेस सरफाइसी का। सो दिस इज द पार्ट जो हमने आज की क्लास करी। सो आई होप आने वाले वीक्स में हम ऐसी क्लास और कर लेंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इन द मीन वाइल कोई डाउट अगर आता है या कुछ भी पार्ट है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी टॉपिक है अगर आप डिटेल्ड में चाहते हैं उसे डिस्कस करना वो भी कमेंट सेशन में बताइएगा, तो वी विल डेफिनेटली हैविंग अ वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, हाँ जी, सो आई थिंक देर इज़ नो डाउट नाउ, शैल वी कंक्लूड नाउ। जनरली अंकित ये जो बैंक करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस में करता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, 90 दिनों तक तो वो आपके पास रहेगी रहेगी, उसके बाद बैंक वेट करता है कि आप बैंक का पैसा 6 महीने में, 1 महीने, 1 साल के अंदर दे दो, अदरवाइज बैंक ये जनरली 1 साल 2 साल के बाद बेसिकली कर देता है, इमिजिएट नहीं करता। फर्स्ट बैंक की प्रेफरेंस यही होती है कि बैंक को ऐसा ना करना पड़े, बट आपसे कॉन्टिन्यूस बैंक ने कस्टमर से कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, देन बैंक विल गो फॉर दैट एंड प्रोवाइडेड द एसेट इज नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में बैंक ऐसा नहीं करता। ठीक है, बैंक टू बैंक ये डिपेंड करता है अंकित। व्हाइट नाइट और व्हाइट स्क्वायर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है करण, उसके लिए डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ेगा प्रॉपर, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं व्हाइट नाइट एंड व्हाइट स्क्वायर। ये दोनों ही आपके पास एक तरीके की स्ट्रैटेजी है टू प्रोटेक्ट हॉस्टाइल टेकओवर, मतलब जिसने कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करा है, जिसने कंपनीज के शेयर्स को एक्वायर करा है, लाइन ऑफ क्रेडिट तो एक आपका नॉर्मली शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पार्ट होता है करण। ठीक है, हाँ जी, व्हाइट स्क्वायर और व्हाइट नाइट ये दोनों ही आपके पास बेसिकली हॉस्टाइल टेकओवर को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। व्हाइट नाइट वो बेसिकली व्यक्ति है जो कंपनी अपॉइंट करेगी फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फ्रॉम द मार्केट, ताकि जो एक्वायरर है वो शेयर को
एक्वायर्ड ना कर पाए. सो व्हाइट नाइट इज व्हाट, हु इज हैविंग हु इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी, अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू परचेस एग्जिस्टिंग शेयर्स फ्रॉम द मार्केट. एग्जिस्टिंग शेयर्स जो परचेज कर लेगा ताकि जो एक्वायरर है वो बेसिकली शेयर्स को परचेज ना कर पाए. और व्हाइट स्क्वायर क्या है? व्हाइट स्क्वायर है एक फ्रेंडली पार्टी अगेन जिसको कंपनी, टू हुम द कंपनी विल इश्यू न्यू शेयर, जिनको कंपनी बेसिकली न्यू शेयर इश्यू करेगी. और न्यू शेयर इश्यू करने की वजह से जो एक्वायरर है उसका जो बेसिकली शेयर है वो डिल्यूट हो जाएगा, कंट्रोल कम हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं व्हाइट स्क्वायर. तो व्हाइट स्क्वायर को कंपनी नए शेयर इशू करेगी फॉर द पर्पस ऑफ डिल्यूजन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एक्वायरर. एंड व्हाइट नाइट इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू परचेज द एग्जिस्टिंग शेयर फ्रॉम द मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग द शेयर सो दैट द एक्वायरर कुड नॉट परचेज देम. दैट इज अ पर्पस. ठीक, चलिए. होली के बाद ही होगा आपकी उम्मीद, तो एग्जाम की होली के बाद ही, उससे पहले नहीं है. ठीक है, डिफेंस टेक्टिक, दैट इज अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी. डिफेंसिव स्ट्रैटेजी आपके पास ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी का, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी का ऑपोजिट है. तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी जहां पर एक्वायरर टारगेट के शेयर परचेस कर रहा है और टारगेट एक्वायरर के कर रहा है. और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जहां पर टारगेट कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज एडॉप्ट करेगा दैट एक्वायरर इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर द फर्दर एक्विजिशन ऑफ द शेयर इन द कंपनी, दैट इज इन द टारगेट. ये सारी स्ट्रैटेजीज हमने ऑलरेडी कवर्ड कर रखी है क्लास में. इफ अगर आपके पास नोट्स हैं तो एक बार प्लीज वहां से रीड करें. ये सारी स्ट्रैटेजीज आपकी कवर्ड है. डिफेंसिव, ऑफेंसिव, पॉइजन पिल, गोल्डन पैराशूट, सिल्वर पैराशूट, टिन पैराशूट. सो प्लीज इनको रिवाइज करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एग्जाम से पहले आ जाएगा अंकित, एक बार हमारे पास शेड्यूल आ जाए. सो डोंट वरी, वी विल डेफिनेटली दैट पार्ट एज वेल. ठीक है, चलिए. सो थैंक्स अ लॉट, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा. और आपकी रिक्वायरमेंट, प्रेफरेंस जो डाउट से टॉपिक से रिलेटेड है उसे भी कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा. और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम. ठीक है, चलिए. ये संकेत, डेफिनेटली टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट, एफएम हम मिक्स करेंगे, नॉट एन इश्यू. ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन.